झांसी के गुड़सराय में रहने वाले जयराम अहिरवार प्रेमनगर थाना अंतर्गत राजगढ़ में परिवार के साथ रहते हैं। उनकी बेटी रक्षा की शादी 2 साल पहले वासुदेव के साथ हुई थी। रक्षा की करीब 5 माह की बेटी है। पति वासुदेव के मुताबिक भाईदूज पर रक्षा अपने मायके राजगढ़ आई थी, जहां उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई, जिस कारण वह अपनी बेटी को लेकर इलाज के लिए अपनी माँ और भाई के साथ बाइक से जा रही थी। अभी वह घर से कुछ दूर हंसारी और राजगढ़ के बीच चल रही थी कि तभी अचानक उसका दुपट्टा बाइक के पहिए की चेन में फंस गया। दुपट्टा इस कदर फंसा हुआ था कि उसका हाथ भी उसी में फंस गया और शरीर से उखड़कर अलग हो गया। मेरी पत्नी और मेरी वाइफ का जो बड़ा वाला भाई और उनकी माताजी और मेरी बेटी जो कि 5 साल की है, ये तीनों चारों लोग बेटी को थोड़ा जुकाम था दिखाने के लिए हॉस्पिटल लेकर के जा रहे थे। हॉस्पिटल जाते राजगढ़ से बाहर निकलते ही थोड़ा सा कुछ 500-700 मीटर या कुछ 1 किलोमीटर के लगभग चलने पर गाड़ी में दुपट्टा आने से पीछे दोनों माताजी और जो मेरी वाइफ हैं ये लोग गिर गए और उनका हाथ कुछ गाड़ी में आ गया, उसकी वजह से उनका हाथ पड़ गया। थाना प्रेमनगर का है, जो एक युवती मोटरसाइकिल पर पीछे बैठी थी और गाड़ी में उसका पल्लू आ जाने से चैन से खिंचती हुई और वो जाकर के उसका हाथ पिछले पहिए में चला गया, उसका हाथ शरीर से अलग हो गया। उसको मेडिकल में भर्ती कराया, उसका इलाज चल रहा है। संदेश यही है, यातायात माह भी चल रहा है और अपना हेलमेट लगा के चलें, अगर साड़ी पहने तो अपने पल्लू को संभाल करके रखें, अपने को सुरक्षित रखें, कार चला रहे हैं तो सीट बेल्ट का प्रयोग करें, यही सावधानियां हैं। यह देखकर हड़कंप मच गया। आनन फानन में उसे उठाकर नजदीक बने निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे इलाज दिया जा रहा है। बाइक के चेन में फंसे हाथ की फोटो अब सामने आ गई, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। सी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।